I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Hey guys, my name is Amrita. इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ, अगर आप किसी पार्टी में जाती हैं या आपकी खुद की पार्टी है और आपको या मेकअप करना नहीं आता या मेकअप करना नहीं चाहती हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मेकअप, उसके बाद भी आपको जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है, तो उसके लिए क्या करें, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। आप सिंपल सा एक बीबी क्रीम यूज़ करें जो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, उसके बाद क्या करें कि आपको जिसमें आई मेकअप ना करना पड़े, बहुत सारा जो है हाइलाइटर नहीं लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा रोज़ नहीं लगाना पड़े, अपने चीक्स पे ब्लशर नहीं लगाना पड़े। यही मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ऐसा क्या करें विदाउट मेकअप भी, विदाउट आई मेकअप, विदाउट हाइलाइटर और विदाउट ब्लशर जो है, तब भी आप इतना अपने पार्टी में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे कि लोग आपसे पूछने लगे भाई ऐसा तुमने क्या किया है अपने फेस पे, बिना मेकअप के भी तुम इतनी अट्रैक्टिव सी लग रही हो और इतनी अच्छी लग रही हो। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी बीबी क्रीम लगा चुकी हूँ, आप भी बीबी क्रीम, कोई भी बीबी क्रीम जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो वो लगाए। उसके बाद जो है मैं आईब्रोज आपको फिल करना ही है। आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है, आप बिना मेकअप के भी बीबी क्रीम भी नहीं लगाती हैं, कोई भी नॉर्मल क्रीम डेली बेसिस पे लगा के आईब्रोज फिल करती हैं और लिपस्टिक लगाती हैं। तो आईब्रोज फिल करने का एक ये मोटिव होता है, जब भी हम आईब्रोज फिल करते हैं तो हमारा जो फेस का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखता है। कभी ट्राई करना, आपको डिफरेंस दिखेगा। पहले एक आईब्रोज फिल करना, देन उसके बाद सेकेंड आईब्रोज फिल करना, आपको डिफरेंस दिखेगा। और जिनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क भी होती है उनका फेस जो है काफ़ी फ्रेश दिखता है, इसीलिए आईब्रोज फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आईब्रोज तो आप फिल करेंगी ही। अगर आपको आईब्रोज फिल नहीं करना आता, आईब्रोज कैसे फिल करना चाहिए और कौन से कलर से फिल करना चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो सिर्फ आईब्रोज फिल करने के ऊपर है। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि आईब्रोज जो है कैसे फिल करना चाहिए। आईब्रोज एक बात बता देती हूँ मैं एक बार और, आईब्रोज जो है हमेशा ब्राउन कलर से फिल करना चाहिए, जिससे कि डार्क ब्राउन कलर से, जिससे आपके आईब्रोज जो है देखना नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल लुक ना लगे। ये मैं अब आईब्रोज फिल कर चुकी हूँ। इसके बाद जो है जैसे कि रेड कलर, वाइन कलर, जो भी डार्क कलर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर माना जाता है, तो आप कुछ ऐसी लिपस्टिक्स यूज़ करें या तो डार्क वाइन कलर यूज़ करें, या तो चॉकलेट ब्राउन, डार्केस्ट चॉकलेट ब्राउन यूज़ करें, या तो रेड लिपस्टिक यूज़ करें। मैं काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसको जो है आपको इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक लगाना है और थोड़ा सा बाहर तक ले जाना है। काजल से लाइनर लगाने के बाद उसको जो है फेड करना है। ये जो मैं ये यूज कर रही हूँ ये पेंसिल ब्रश है, उसको फेडेड कर देना है पूरे लाइनर को, बहुत ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा फेडेड कर देना है बाहर तक, आउटर कॉर्नर तक। दिख रहा होगा आपको, ये मैं अब दोनों साइड लगा चुकी हूँ। सेम ऐसे ही आपको नीचे भी अप्लाई करना है, वाटर लाइन से नीचे। इससे आपकी आंखें जो है काफी, इससे आपकी आंखें जो है काफी बड़ी भी लगेंगी देखने में। उसके बाद सेम ब्रश से, पेंसिल ब्रश से इसको भी आपको फेड करना है। फेड करते करते वो जो आपने विंग की तरह फेडेड करके बाहर आप लाइनर को ले गई हैं उसके साथ आपको मर्ज कर देना है। ये देखिए मेरी आंखें बहुत छोटी हैं वैसे, लेकिन अभी बहुत बड़ी लग रही हैं। अब मैं वाटर लाइन, लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे वही सेम काजल फिल करूँगी।
मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मैबलिन का यूज़ कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग है। जब भी आप मस्कारा लगाए सबसे पहले अपने ब्रश को बहुत अच्छे से नीट कर ले, नहीं तो जो पलके हैं वो आपस में जो है चिपक जाती हैं, उसके बाद बहुत ओवर कोटिंग लगता है। अपने आईलैश के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मस्कारे को अप्लाई करें बहुत अच्छे से। ये जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ये मैक की लिपस्टिक है, इसका ये नंबर है A97। और ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर के लिए, ये कलर बार की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आउटलाइन करूँगी। अब मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ। अब मैं अपना मेकअप कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब मैं आपको पूरा ड्रेसअप होके आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। ये देखिए मेरा फाइनल लुक। देखिए विदाउट मतलब कि बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप यूज़ नहीं किया है, आपके सामने की बात है, बस एक रेड लिपस्टिक लगाया है। जब भी आपका मन करे कि आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना, आई मेकअप नहीं करना या आईलैश नहीं लगाना है और सिंपल वे में और फिर भी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है कि लोग आपसे पूछे भाई ऐसा क्या किया है तूने, जस्ट एक रेड लिपस्टिक से, जैसे कि आप सभी को पता है रेड जो कलर है, बहुत ज़्यादा बोल्ड माना जाता है, रेड हो गया, डार्क कलर हो गए, एक वाइन कलर और एक ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन कलर। और जस्ट मैंने जो लाइनर भी मैंने यूज़ नहीं किया है, काजल से ही लाइनर लगा के उसको जस्ट स्मोक आउट किया है और बहुत मैंने जो है उसका विंग बहुत ऊपर तक बाहर तक निकाला है। और ये देखिए फाइनल लुक, बस तीन चीज़ों से, एक बीबी क्रीम, एक रेड लिपस्टिक और एक लाइनर से भी, आप एक काजल से भी उसे अगर आप स्मोक आउट करते हैं उससे भी आपका जो लुक है एकदम अट्रैक्टिव सा लगता है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं और अच्छा आपको दिखा सकूं और क्रिएटिविटी कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, डन।